तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का प्रश्नवाली 1.1 में जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसको हम लोग आज हल करने वाले थे। इसको कैसे हल किया जाता है सीखेंगे आज इस वीडियो में। सो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए दोस्तों, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो बना लेंगे इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं और 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है, देखिए 3, इसका नीचे कुछ नहीं यानी 1 लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 4 है, ठीक है। 4 का नीचे कुछ नहीं यानी इसका नीचे भी 1 है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर 3/1 इसको हम लोगों को गुना करना है किससे, देखिए यहाँ पर 6 है ना, तो 6 जड़ में 1, ठीक है। इसको लिखना है 6 जड़ में 1, जब भी अगर 6 बोलेगा तो 6 जड़ में 1, 7 बोलेगा 7 जड़ में 1, ठीक है। इसको पहले आप देख लीजिए कितना हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं 7 हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को इनके 3/1 है ना, इसका अंश और हर में दोनों में हमको इससे गुना करना है 7 से, इसमें भी 7 से ही गुना करेंगे अंश और हर में। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, 3 वाला, यानी कि 3/1 कुछ नहीं 1 है, इसमें गुना करेंगे हम लोग 7/7, यानी कि ये अंश और ये हर में 7 से गुना हो रहा है, तो कितना होगा 7 3 21 और नीचे में 7 1 7 हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला करेंगे, ये 4/1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4/1, इसमें भी गुना करेंगे 7/7 से, ठीक है। 7 4 28, नीचे में 7 1 7, ठीक है। अब देखिए ये है 21/7, ये है 28/7, इन दोनों के बीच में, ठीक है, यानी कि इन 3 और 4 के बीच, यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच में हम लोगों को परिमेय संख्या निकालना, कितना डू 6। तो चलिए इसको लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इसको 21/7 को, ठीक है। तो 21/7 लिखें, उसके बाद यहाँ पर लिखना है 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, 26/7, फिर 27/7, और यहाँ पर जो यहाँ पर है उसी को लिख देंगे 28/7। देखिए यहाँ पर पहले देखिए 21/7, लास्ट में देखिए 28/7, यहीं पर 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ इनके बीच में, देखिए यहाँ पर 6 हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 परिमेय संख्या ये यहाँ पर निकल गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया किसी 2 नंबर के बीच में परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। जितना भी संख्या निकालना बोलेगा उसमें 1+ करके आपको अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर किया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।